क्या मेगुमी फुचिगोरो भी गोजो की तरह मर गया है? तो जुजुत्सु काइसेन के लेटेस्ट मांगा चैप्टर में हमने देखा कि सुकुना ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया है अपनी ओरिजिनल बॉडी में, और क्योंकि सुकुना मेगुमी की बॉडी के अंदर है, और अगर सुकुना अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेता है मेगुमी की बॉडी में, तो मे बी मेगुमी अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो सकता है, और अगर सुकुना की कॉन्शियसनेस वापस आ गई तो मेगुमी की बॉडी में पूरा कंट्रोल सुकुना का ही हो जाएगा। तो इसके बहुत हाई चांसेस है कि सुकुना की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मेगुमी का अपनी बॉडी में अपना कंट्रोल छूट जाएगा, और जैसी मेगुमी की किस्मत चल रही है मांगा के अंदर, इससे मेगुमी की डेथ के चांसेस थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। पर अगर मेगुमी को बचाना है तो उसे बचाया भी अभी जा सकता है, क्योंकि अभी सुकुना ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करी है, तो उसे पूरा ट्रांसफॉर्म होने से पहले मेगुमी को अपनी कॉन्शियसनेस वापस लानी पड़ेगी अपनी बॉडी में। वैसे मैं एक बार सोच रहा था कि गोजो के साथ फाइट में सुकुना अपनी ओरिजिनल बॉडी में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुआ। गोजो को मारने के बाद जैसे ही काशिमो से सुकुना की फाइट होती है तो उसने अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया था। तो क्या सुकुना की ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड है गोजो की डेथ से? आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि गोजो के साथ फाइट में सुकुना अपनी ओरिजिनल बॉडी में ट्रांसफॉर्म इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि शायद वो डर रहा होगा कि अगर वो गोजो से हार गया तो वो अपनी ओरिजिनल बॉडी को खो देगा। चलो अब बात करते हैं कि अगर मेगुमी के चांसेस है बचने के तो उसे कौन बचा सकता है। तो अभी जैसे कि काशिमो फाइट कर रहा है सुकुना के साथ, पूरे चांसेस है कि काशिमो हारने वाला है उससे। अब बचते हैं दो ऐसे कैरेक्टर जो सुकुना को हराने के लिए केपेबल है, एक यूजी और दूसरा यूटा। पर अगर इनमें से भी कोई सुकुना के साथ वन ऑन वन फाइट करता है तो अकेले उसके लिए सुकुना को हराना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसा हो सकता है कि यूजी, यूटा और जो अदर सोर्सर्स है वो सब एक साथ मिलकर सुकुना से फाइट करे, तब जाके कुछ हो सकता है, वरना सुकुना को हराने के लिए तुम्हें गोजो को वापस जिंदा करना पड़ेगा। और आजकल एक थ्योरी घूम रही है गोजो के रिटर्न से रिलेटेड। उस थ्योरी के हिसाब से इस मांगा पैनल में हमें लोटस दिखाए जाते हैं जो कि जैपनीज माइथोलॉजी के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ साइकिल को, और साथ ही में हमें एक और रेफरेंस मिलता है गॉड बुद्धा के बर्थ से रिलेटेड। जैसा कि इसमें लिखा है कि इफ यू वांट टू बिकम समवन न्यू देन गो टू नॉर्थ, और अगर तुम्हें वही बनना है जो तुम पहले थे तो साउथ की तरफ जाओ। और ये बुद्धा से ऐसे रिलेटेड है कि जब बुद्धा का बर्थ हुआ था तो वो 7 स्टेप्स चले थे नॉर्थ की तरफ को। अब आई डोंट नो कि इसका गोजो के रिटर्न से क्या रिलेशन है और गोजो कैसे वापस आएगा। अब गोजो वापस आएगा या नहीं ये तो हमें फ्यूचर में आने वाले चैप्टर से ही पता चलेगा। तो चलते हैं अब, और अगर तुम जानना चाहते हो जेजे के मांगा से रिलेटेड और चीजों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।